आपने कहा चाइना, आपको हिंदुस्तान के 20 सिपाही नजर आ रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया कह रही है 43 मारे हैं हिंदुस्तान की फौज ने, आपको वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप उसे सेलेक्टिवली देखना नहीं चाहते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाइना कहता है कि एज अ गुड जेस्चर हम अपना नंबर जो है बताना नहीं चाहते। कोरोना हमने फैलाया, हम बताना नहीं चाहते। बॉम आकर गिरे, एयर स्ट्राइक हुई, हम बताना नहीं चाहते। अब हमारे 43 मरे, हम बताना नहीं चाहते। बताना क्यों नहीं चाहते? आप स्टैंड ऑफ करके खड़े हो सामने हमारे आप, और बताना नहीं चाहते नंबर, क्योंकि पता है आपको कि आपके ज्यादा मरे हैं। दूसरी चीज, हिंदुस्तान इस चीज को लेकर अब बड़ा क्लियर कट है कि अगर सीमा विवाद है हम पीछे नहीं हटने वाले साहब। अगर उनको हमें अपने सीमा में, एक लॉजिकल तरीके से सोचिएगा, सीमा में अगर घुसने देना होता तो वहां फौज स्टैंड ऑफ नहीं कर रही होती। वहां क्यों होता स्टैंड ऑफ इतने समय से? वो भी सिर्फ ये भी टसल भी इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगा कि जिस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर चीजें हल हो रही थी, शायद सिचुएशन जो है आसान होने की तरफ थी, या फिर कहीं ना कहीं यही सेम सिचुएशन एक महीने पहले अराइज हुई थी, वो भी इसी तरह से डिग्रेड हुई, लेकिन ये नहीं हुई। चलो ठीक है, कहीं ना कहीं चाइना ने धोखा दिया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी भी घड़ी बहुत ही निकट है। उसने क्या किया है नेपाल के साथ आपके सामने है, उसने क्या किया है आप श्रीलंका के साथ आपने देखा है, हम्बनटोटा पोर्ट उसका पहले से ले चुका है, उसने क्या किया है भूटान के साथ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ज्यादा महंगी दरों पर ब्याज पर पैसा देने के बाद वो मुल्कों के साथ क्या करता है आपके सामने है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि हाँ, मेरे स्टेट के अंदर, मेरे देश के अंदर आज एक ऐसे प्रधानमंत्री है, आज एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी सीमा की सुरक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं मानता हूं एक एक जवान का दुख है, लेकिन हाँ, उनके कितने सर हमने लिए ये भी आपको पता है। आप नहीं मानना चाहते और हंसते रहना चाहते हैं, हंसिए। वी रियली हैड होप कि क्रिकेटर आए हैं तो कहीं ना कहीं चेंज होगा, लेकिन हुआ क्या? नथिंग, बैक टू स्क्वायर वन, वही सिचुएशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मसला शुरू हुआ है जब पिछले साल अगस्त में हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और 35A और वो तब्दील किया, तब चाइना ने भी वॉर्न किया था और पाकिस्तान ने भी किया था कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ऐसा ना किया जाए, मगर हिंदुस्तान ने उसको सीरियस ना लिया और धमकियां देना शुरू कर दी, जिस पे चाइना लद्दाख में अब आ गया हुआ है जो कश्मीर ही का हिस्सा है। और कश्मीर का मसला जब तक रिजोल्व नहीं होगा, इस रीजन में किसी सूरत अमन नहीं आ सकता, और कश्मीर का मसला सिर्फ एक ही तरह हल हो सकता है कि अगर हिंदुस्तान मान जाए और यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट की जाए। फर्ज करें हम फर्जी लिहाज से एक दूसरे को ताने देते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, मगर उसका कोई मतलब नहीं है जब तक एक्चुअल चीज़ नहीं हो। हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करें पाकिस्तान के साथ भी और हिंदुस्तान चाइना के साथ भी सीरियसली कहे, और जो डिस्प्यूट्स हैं उनको माने, और वो डिस्प्यूट का एक ही हल है, जैसे यूनाइटेड नेशन है उसकी रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का मसला हर सूरत हल होना चाहिए, नहीं तो यही जंग कहीं और ले जाएगा और दुनिया इसको कहीं और वर्ल्ड वॉर में ये कन्वर्ट हो जाएगी। जी त्यागी साहब, आप रिप्लाई करना पसंद करेंगे? जहां तक मामला कश्मीर का है, हम उसको अपना एक इंटेग्रल पार्ट मानते हैं और वो है भी, और हमने उसमें 370 एब्रोगेशन और 35A एब्रोगेशन कर दी। उसके बाद आपको जहां जा जाकर ढोल पीटना था आपने खूब पीटा, क्या हुआ? कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदलने वाला, आपसे 100 साल बाद भी आप इसको करते रहिएगा, एक बात। दूसरा, जहां तक चाइना की बात है, हम खड़े हैं उनके सामने छाती ठोक कर। आई नो हमारे साथ जो चीजें हुई हैं वो उसके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके लिए बहुत ही फीजिबल चीजें हैं, ये भी एक अलग बात है कि स्ट्रेटेजिकली आपने वो वीगर मुस्लिम्स के ऊपर अभी तक जवाब नहीं दिया, चुपचाप उसको कब गुम कर दिया मुझे पता नहीं। हाँ देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने जो सारी चीजें कही है, आपका जो सबसे पहले तो कश्मीर की तरफ ऑब्सेशन है उसको कृपया करके अभी के लिए साइड रख दें, क्योंकि जब हम चाइना की बात कर रहे हैं, अब आप इतिहास को ना बदल सकते हैं, ना झुटला सकते हैं, ना डेट्स को, ना चीजों को, ना अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री को। अब मैं आपको बताता हूं चाइना सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं कर रहा है, सबके साथ उसका हाल क्या है। चाइना की अगर मैं बात करूं, नेपाल के साथ चाइना का विवाद पहले से है, आपको पता है, अभी परसों ही उनके विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 64 एकड़ जमीन चाइना ने ऑलरेडी नेपाल की घेर ली है। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल इन्हीं दिनों में वहां की एक सरकार की रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं ईस्ट नेपाल में लगातार अतिक्रमण चाइना करता आ रहा है। ठीक है, आपको याद होगा 2017 का डोकलाम ट्राई जंक्शन था जहां पर भूटान और हिंदुस्तान और चाइना की सीमा लगती है, चाइना ने उसके साथ क्या किया वो भी आपको याद होगा। 2009 से साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है चाइना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहां किस पर उसकी लड़ाई नहीं है। अब आप देखिए,
साउथ चाइना सी में जापान के दो आयरलैंड है उस पर उनकी लड़ाई है, मलेशिया के साथ पिछले महीने ही एक महीने तक स्टैंड ऑफ रहा, इंडोनेशिया के साथ उसका वहां पर झगड़ा है, रशिया के साथ 154,000 स्क्वायर किलोमीटर की सीमा शेयर करता है चाइना, कहता है ये भी मेरी है, चार अग्रीमेंट कर चुके हैं लेकिन बावजूद उसके वहां पर भी उसकी सिचुएशन ऐसी ही है। इसके अलावा वियतनाम को वो अपना कहते ही है और आपको पता ही होगा तमाम तरह की चीजें, कोई एक सीमा चाइना की जो किसी से लगी हुई हो और वहां पर विवाद ना हो तो आप मुझे बताएं। मैं चलो एक सेकंड के लिए मैं आपके इस लॉजिक को ले भी लूं कि हिंदुस्तान वहां पर अतिक्रमण कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, साहब छोटा सा मुल्क वियतनाम क्या कर रहा है, हांगकांग के क्या हाल है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया ये इतने छोटे छोटे से मुल्क है, आपको लगता है ये चाइना के लिए कुछ करेंगे, लेकिन चाइना वहां पर भी एग्रेशन कर रहा है। जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं चाइना के साथ, चाइना की जो एक्सटेंशनिस्ट नीति है, जो विस्तारवादी नीति है, उससे कहीं ना कहीं सारी दुनिया का हाल खराब है। और आपको एक और चीज बता देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, 2016 में फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चाइना को खींच चुका है और वहां से जीता भी है फिलीपींस जैसा मुल्क। तो कृपया करके जब आप चाइना की बात करते हैं तो इस तरह की चीजें ना करें। अब आ जाते हैं खास तौर पर कश्मीर को लेकर, कश्मीर को लेकर भी आप पूरी दुनिया में गए, 370 पर आपके लीडर्स तमाम जगह गए, OIC ने आपने क्या देखा, आपने देखा सऊदी अरेबिया किस तरह से चुप रहा, आपने देखा और भी तमाम तरह की कंट्रीज। देखिए 1994 में हिंदुस्तान की संसद ने एक रेजोल्यूशन पास किया था नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में कि जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। मैं मानता हूं बायलेटरल ये चीज है और आप इसको बार बार कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हमें जाना चाहिए। सिचुएशन ये है कि हर बॉर्डरिंग स्टेट का, हर बॉर्डरिंग स्टेट के साथ कहीं ना कहीं अलग एक तरह का ट्रिप्ट है, उसको बायलेटरली डील होना चाहिए। पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने लगातार बात करने की कोशिश की है, आपको याद होगा नवाज शरीफ जी की बेटी की शादी में इस देश के प्रधानमंत्री गए थे। और इसके अलावा भी मैं एक चीज आपको बता देता हूं आरजू जी, सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है लेकिन खंजर मेरे हाथ में हो, छुरी मेरे हाथ में हो, तो वो दोस्ती नहीं चल सकती। वो जो आतंकवाद है वो छुरी है, जब तक वो साइड से इराडिकेट नहीं होगा, वहां से नहीं हटेगा, किसी भी तरह की दोस्ती होना पॉसिबल ही नहीं है। आप उसको हटा दीजिए, चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। अटल जी ने कहा था कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप दोस्त भी बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैं कहता हूं दो मुल्क आगे जाकर बेहतर कर सकते हैं लेकिन जो सिचुएशन है और आतंकवाद की वजह से जिस तरह से ट्रिप्ट पैदा हुआ है इंटरनेशनली, ये अपने आप में बहुत परेशानी का सबब। ओसामा बिन लादेन जैसे लोग और उसके कुछ जो आतंकवादी थे वो अगर यूनाइटेड स्टेट्स के एयरपोर्ट पर घुस जाते हैं, फ्लाइट लेकर उड़ जाते हैं, तो ये कमजोरी यूनाइटेड स्टेट्स की है, जो आतंकवादी है उसकी गलती नहीं है। अगर मेरे घर में कोई दीवार तोड़ के घुस जाता है और दीवार टूट जाती है तो गलती जो है घर वाले की, उसने दीवार कमजोर बनाई, जो घुस के आया चोर उसकी कोई गलती नहीं है। आप इसको ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं विच इज एब्सोल्यूट ब्लंडर वन। दूसरा, अगर आपने बात किया अभी इसके संधि में फिलीपींस वाले में, चाइना ने इसलिए कॉन्टेस्ट वहां पर नहीं किया क्योंकि उनको पता था वो गलत है। जापान के साथ भी उनके दो बंदरगाहों का चल रहा है, दो जो उसके साथ क्या वहां पर भी सिचुएशन ऐसी है, वियतनाम के साथ भी यही चल रहा है, खैर इसको साइड रखते हैं। दूसरा, आपने जो कहा ऑपरेशन लीगलाइज कर दिया हमने कश्मीर में, 1946 में जब कबायलियों को बैक करके पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर जिसे आप कहते हैं उस पर कब्जा कराया था, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में एक सामने बैठकर उसकी प्रेजेंस में एक ट्रीटी हुई थी जिसमें हिंदुस्तान को पाकिस्तान को करीब 75 करोड़ रुपए देने थे, 25 करोड़ एडवांस दे चुके थे, बावजूद उसके आपने जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं कब्जा कर लिया था हिंदुस्तान ने, फिर भी 55 करोड़ रुपए दिए थे क्योंकि वी वॉन्टेड टू गेट गो हेड विद द ट्रीटी बिकॉज एटलीस्ट बायलेटरल रिलेशनशिप ऐसे चलने चाहिए। और अब आप कहते हैं कि दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी, मुझे लगता है आप माइक पोम्पियो का बयान शायद आपने सुना नहीं जब वो लगातार कह रहे हैं कि चाइना जिस तरह से साउथ सी में लिंक में जाकर कर रहा है ऑपरेशन, हम उसका जवाब देंगे, वहां पर फौज आएगी। शायद आपने ये भी नहीं देखा कि रशिया S-400 ऑलरेडी हिंदुस्तान को दे रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर गए थे, शायद और भी तमाम तरह की चीजें आप नहीं दे रहे हैं। आपके साथ कौन खड़ा है जब ये 370 एब्रोगेशन हुआ और 35A एब्रोगेशन हुआ, कौन था आपके साथ? वही रियल टेस्टिंग टाइम था ना, कोई नहीं था। और दूसरा, चला बट इट्स ओके, मैं आपकी पॉलिटिकल परेशानी समझ सकता हूं, आप पॉलिटिकल व्यक्ति जरूर है लेकिन कम से कम एक शब्द तो बोल दीजिए ना, मुसलमान तो सब जगह का मुसलमान होता है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो कहते हैं ना कि मुसलमानों ने 1000 साल तक राज किया, उस राज में आप गुलाम थे, मैं भी था, क्योंकि हिंदुस्तान जब एक था सभी गुलाम थे, वो जो उन्होंने राज किया ना उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, आप यहीं के थे, जिसे पाकिस्तान कहते हैं पहले जो हिंदुस्तान का था
आप और आपके दादा परदादा और उनके परदादा, मुझे अपनी 10 जनरेशन का नाम पता है, वो सब यही के थे, गुलाम थे। तो कृपया करके जो इस तरह के लोग हैं उनको अल्यूर करना बंद कीजिए, ये आपके लिए भी गलत है। सिर्फ धर्म के नाम पे किसी को बड़ा कर देना जिसने आपके ऊपर आपको गुलाम बनाकर रखा हो, वो कहां तक सही है? मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई और भी जगह, सब धर्म सब जगह रहने चाहिए, सबके अपने अपने इश्यूज जरूर है, कोशिश रहनी चाहिए कि ठीक हो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सिर्फ मेरी नहीं है, जो मुदस्सिर ने कहा वही वाली लैंग्वेज बोली जो वेस्टर्न वर्ल्ड कभी मानता नहीं था आतंकवाद को, कि हो सकता है इनकी ये इंटरनल प्रॉब्लम हो हिंदुस्तान की। हमारी इंटरनल प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है सर? कहाँ कहाँ तक आपने देखा है? आज तो वेस्टर्न वर्ल्ड भी नहीं बचा हुआ, और कहीं ना कहीं आप ही लोगों को हर कोई अकाउंटेबल ठहराता है। और आपके यहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे घर में अगर चोर है तो चोरी थोड़ी होगी सर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर आप विल के साथ आगे बढ़ेंगे तो हाँ, ये चीज आज नहीं तो कल सुधरेगी। क्योंकि सभी मुल्कों को कहीं ना कहीं, मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहता, सभी मुल्कों को कहीं ना कहीं एक प्रॉस्परस हैप्पी लाइफ देने की जरूरत है अपनी जनता को। आप भी वही कीजिए, मेरी सरकार भी वही कर रही है। जहां तक बात बॉर्डर सिचुएशंस की है, कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि जो आदमी कर्ज देकर कंट्रियां कब्जा लेता है, पोर्ट कब्जा लेता है, उससे दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी